काम का तो अभी कुछ नहीं पता लग रहा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाकी आने वाले टाइम में। 4.5 सालों में कुछ काम हुआ, 3 महीने में जो चन्नी साहब आए इसमें काम हुआ। चन्नी साहब ने कुछ थोड़ा किया है, अच्छा किया है। तो किस पार्टी पर भरोसा है फिर आप या कांग्रेस का ही देखेंगे जो भी है। आप और कांग्रेस, जो किसानों ने पार्टी बनाई उनका कुछ नहीं? कुछ नहीं। आपका क्या मानना है? मेरा भी यही है, इनके साथ हूँ मैं। कोई कह रहा है मैं फ्री बिजली दूंगा, कोई कह रहा है मैं 1000 रुपये पर मंथ दूंगा, उसी उसके ऊपर सिद्धू साहब ने कह दिया 2000 रुपये दूंगे हम, तो ये क्या पंजाब इसको कर सकता है? बट देखो ये तो जनता के हाथ में कि अवॉइड करना है इसको, इस चीज़ को जनता को देखना है कि कैसे अवॉइड करना है। हमने कांग्रेस को देख लिया, अकाली को देख लिया, बीजेपी का गठबंधन जो भी है देख लिया हमने, एक आम आदमी पार्टी नवी पार्टी है जो थोड़ा चेंज लाओ इसमें, देखते हैं वो क्या कर सकती है। बदलाव चाहते हैं। पंजाब के स्कूल देख लो क्या डेवलपमेंट हुई है, अकाली भी देख लिए, कांग्रेस भी देख लिए, ठीक है ठीक है। और बिजली के रेट 3 महीने से सस्ते हुए हैं, पिछले 4 साल ये क्या करते रहे 8-8, 9-9 रुपये। हमने पता है कि कितनी महंगी बिजली, एक आम बंदे को पता, किसी को पूछ लो। पर बात सिर्फ यही है कि जो कांग्रेस ने किया ना वो जनता पार्टी नहीं कर सकती। जनता, भारतीय जनता पार्टी तो आई नहीं यहाँ पर पूर्ण बहुमत से कभी भी। हाँ गठबंधन में आई थी। हाँ मतलब गठबंधन में आई वो तो कोई बात नहीं है, पर होनी कांग्रेस ही चाहिए, जो कांग्रेस करती है ना वो और कोई नहीं कर सकता। बस पे किराया फ्री इसलिए? नहीं वो बात नहीं है, हम कांग्रेस वाले ही हैं। अच्छा कांग्रेस वाले पक्के वाले हैं आप? हम कांग्रेस वाले हैं इसलिए। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हो कि कांग्रेस ही आनी चाहिए। बचपन से। अच्छा आपकी उम्र कितनी होगी? 70 है। आपने लगभग सारे चुनाव देखे होंगे, इलेक्शन देखे होंगे। कैसे बताऊँ, लगभग आज़ादी के बाद जितने भी है, मतलब 2-4 को छोड़कर सब देखे होंगे आपने? हाँ सब कुछ देखा है। दिल्ली में थे हम। दिल्ली से आए हो आप? वहाँ तो आम आदमी पार्टी का बड़ा क्रेज है। वो तो फिर अब बनी है ना आम आदमी पार्टी, तो अभी बनी है, 5-10 साल हुए होंगे ज़्यादा, तो उससे पहले तो कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस हमने बचपन में सभी को देखा है। वहाँ काम नहीं हुआ अच्छा, तभी तो लोग वहाँ लेकर आए आम आदमी पार्टी को। मतलब आम आदमी पार्टी भी कर तो अच्छा ही रही है, ऐसी बात नहीं है, कर तो वो भी अच्छा रही है, ऐसी बात हम नहीं कहेंगे कि अभी उसने ये किया, वो बहुत अच्छा कर रही है वो भी। लेकिन जो भी कुछ हो हम आज भी वही कहेंगे कि कांग्रेस के मुकाबले में कुछ नहीं है, जनता पार्टी जो मर्जी करती रहे। कांग्रेस ही आनी चाहिए क्योंकि बचपन से आप वही उनकी पार्टी है। सत श्रीकाल जी, बाई के बच्चे कि पार्टी आनी चाहिए? आप आएगी। मैं पेंशन गौरमेंट अपलाई रिटायर्ड आ, साढ़े मुलाजमान ने जां पेंशनां ने इन्होंने एक दवानी नहीं सानूं 5 साल तो दी, एक नवा पैसा नहीं दिता, अं वोटा किस तरह इन्हों पावे। दूजी गल सानू हर जदों अं उस तो पहला रिटायर होए हाँ, रिटायर होने तो बाद 2017 तक सानू हर एक पे कमीशन 5 लागू किए सरकार ने, सानू उदा बेनीफिट मिलता रहा। ये सरकार ने एक धेला नहीं सानू दिता। किस डिपार्टमेंट करते जा? मैं इरीगेशन डिपार्टमेंट एज ए सर्कल अडवासमैन रिटायर हो, चंगी पोस्ट में रिटायर हो, असी इन्हों की मंजी ठोक देनी आ, खास करके पहला प्रकाशी मनप्रीत बादल की। हाँ वो खजाना खाली तो खजाना किने भरना? वो तुम जे मुक्त लोगों को सहूलत देंगे वो ना दो, तो बिजली ना दो, होर 100 रुपया तुम कहते जनानियों देवे, केजरीवाल कहता चलो वो तो ठीक है, उन्हें माइनिंग का क्या तो माइनिंग दूँ अं जा के जोड़े पैसे बचने वो अं खजाने करावे देवे। पर इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता पंजाब का कांग्रेस पार्टी ने, इसका ध्यान हाई कमांड इन्हों की बहुत कमजोर है। हूँ जो 31 बंद जी लिस्ट तैयार करनी वो भी समझ लो कि अज तक नहीं हुई, अज सवेरे हुई है, वो कांडो कलेस होर वध गया, अग आसमान चढ़ गया। इन्हों की फट्टी पोची जानी आ, इन्हों बिल्कुल नहीं किसी ने वोट पानी ना पिंडा शहर के आप आदमी ऐतकी एक बार 70 साल इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिता वोटा लेके। एक दूजे अकाली आ सकते ने? नहीं अकाली कुछ नहीं कह सकते, अकाली के बारे च जो सुखबीर बादल आने जमीन तो लेके उपर तक बड़ी मेहनत की शुरू तो सारिया पार्टियों को अगे, वह थोड़ा जहा ग्राफ जरा थोड़ा जहा वाधा जा रहा, जो 2017 के ना उस तो थोड़ा जो उपर आ रहा बढ़ रहा जी। एक गल दसो मैनू, जो किसान उन्होंने पार्टी बनाई जी, खजाना ने किसी ने वोट नहीं पानी, इन्हों आपस में नहीं बनती, किसान किस तरह वोट लोग पागे इन्हों। राजेवाल कहता मैं मुख्यमंत्री बनना, दूजे जोड़े वो सारे
बत्ती किसान जथे 22 रह गई 22 दे विचों इन्हां दे वह भी नहीं सांभे जाते। एक तरह करनगे सरकार इन्हां नूं किहे वोट नहीं पाउणी। जिहड़ा नवीं पहली वार आवे उहनूं पिछला इतिहास पढ़ के वेखो, समा जिन्ने जदों चोणां हुंदियां नवीं पार्टी कोई भी आ पहली वार आवे उहनूं नहीं, हाँ ठीक है थोड़ियां वोटां ए खराब करनगे लोकां दीआं, अमल ते किसे ने पाउणी ही नहीं। वोटां भी तो खराब होने थोड़ियां बहुत होनियाँ कोई फर्क नहीं पैना, आप वालों की ऐतकी चढ़ती कला है अं पानी हाँ ठोक जाके कहने जमानत जब्त करा पहला किनू पाई जे वोट किनू अं देख के पाई दी। मैं वो मैं उस मत न करदा है बकायदा, ना किसी का जात ना किसी का कोई धर्म ना कोई सब कुछ सब बराबर समझदा। जिहड़ा कैंडीडेट हुंदा उन्हूं अहीं वोट पाउंदे। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਐਡੇ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਊ ਵਛੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਦਵੀ ਹੋਈ 2017 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ 7 ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਖ ਲਈ ਆਪ ਇਸ ਕੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ? ਗੱਲ ਸਰ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ, ਆ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੱਲਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਵਾਦੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਥਰਡ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਟਰੋਂਗ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਅਭੀ ਹੈ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਭੀ, ਤੋ ਵੀ ਵਿਲ ਥੀ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਭੀ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਰੱਖਾ ਹਮਨੇ, ਬਟ ਦੇਖੇਂਗੇ ਅਭੀ। ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਰੱਖਾ ਪਰ ਅਭੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਟ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਚੇਂਜ, ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਸਮੇਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਭੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਡਿਸਾਈਡ। 5 ਸਾਲੋਂ ਮੇਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੁੱਦੋਂ ਕਾ ਹੱਲ ਹੁਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਰਾਹ ਪਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਹੁਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਬ ਤੋ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਅਬ ਤੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਹੁਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਆ? ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਆ, ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਜਿਤਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਸੁਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
कहते भी आम आदमी पार्टी आएगी तब सुधार होगा, बाकी तो सब। आपका दिल क्या कह रहा है ये बताइए, लोग तो कह ही रहे हैं, माहौल तो बना हुआ है। हमारा तो दिल तो ये अभी कुछ इतना सोचा नहीं है। क्या सोचा नहीं है, बीच में ही अभी था।